अभी कैसा दिखता है सर? आज बहुत तेजी है, 6% की तेजी के साथ में आज भी काम कर और हाँ आज की तेजी जरूर है, तो अगर इनके पास भी रहेगा तो होल्ड की सलाह रहेगी, बिल्कुल होल्ड की सलाह रहेगी। बाइंग के लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि पेशेंस होना चाहिए, अगर एक दो दिन में कोई अगर आती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स वैसे तो काफी अच्छा है, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये लेना ही चाहते हैं तो अगर कोई हल्की सी क्या बोलते हैं उसको डीप आता है तो उसमें ही बाइंग किया जा सकता है स्टॉक में, रिस्क रिवॉर्ड को संभाल के। लेकिन स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है और अगर इनके पास और किसी और दर्शकों के पास है तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी, कोई करेक्शन के आसार अभी फिलहाल इस स्टॉक में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नई खरीदारी करनी हो तो कौन से लेवल्स के आसपास अच्छे लेवल्स होंगे? या नई खरीदारी करनी है तो जरूर मिलेगा ये स्टॉक, मैं थोड़ा डेली चार्ट इसका देखता हूँ तो उसके हिसाब से अगर देख लेते हैं, लेकिन वो लेवल्स क्योंकि काफी ऊपर दो तीन दिन से कंटिन्यू ये ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो एक 11,150 का मैं लेवल देना चाहूंगा, 1150 का वहां पे एक सपोर्ट जरूर है, अगर उसको टेस्ट करने के लिए आता है 1150 या हो सकता है 1100 उसके बीच में, तो वहां पे एक बाइंग की जा सकती है इस स्टॉक में, और जो अगर ये लेवल पे बाय करना चाहते हैं देन वो उनके हिसाब से करना पड़ेगा उनको, तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन उनको फिर स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा अगर करंट लेवल पे ही किसी को बाय करना है, उनको पेशेंस नहीं है, तो स्टॉप लॉस रहेगा 1140 का मैं देना चाहूंगा स्टॉक।